हेलो प्लीज कम इन। मैं भैया भाभी को बुलाती हूँ। आपसे कोई मिलने आया है? आ रही हूँ। अरे तुम दोनों, अरे क्या हाल है? हेलो हाय, कैसा है भाई? तू बता। हाय मुस्कान। हाय अभी। हाय। और बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं सर। हाँ यार, पहले कितना ज्यादा मिला करते थे हम लोग। चलो बैठो तुम लोग। हाँ तुम लोग बैठो। अच्छा ठंडा लोगे या गरम? कुछ भी। तुम पहले पानी। ओ चलो लाते। और बताओ क्या हाल चाल? मैंने सुना तुम लोग पिछले महीने हनीमून पे गए थे। हाँ। तो कहाँ गए थे? हांगकांग। तो क्या क्या किया वहाँ पे, क्या एक्सप्लोर किया? एक्सप्लोर थोड़े करने गए थे, हनीमून था। सही है। अब शर्माओ मत यार, ले लो। समझो। और क्या चल रहा है आजकल? मैंने सुना है कि ईशा ने अपने पति पे डाउरी की वजह से कोई केस लगा दिया है। हाँ, सेक्शन 498A का चार्ज लगाया है शायद। ये इतना सीरियस है क्या? बिल्कुल है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty, whosoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such as woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or shall be liable to fine. तो क्या सच में उसने दहेज के लिए प्यार और शादी का ढोंग किया था? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ईशा से प्यार करता था। हाँ मैंने भी उन दोनों को हमेशा साथ ही देखा है कॉलेज में। नहीं यार, उसको मैं पहले से जानता था, वो ऐसा नहीं कर सकता। पास वाली आंटी बता रही थी कि उनके यहाँ पुलिस आई थी और पूरे परिवार वालों को साथ लेके गई है। बेचारे लोग, क्या बीत रही होगी उनपे। अबीर, आजकल हर परिवार वाले पैसे मांगते हैं। जरूर उस लड़की को मारते भी होंगे, तभी उस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया। मुझे भी यही लगता है, वरना कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी, वो भी लव मैरिज के केस में। ऐसी बात नहीं है शिवांग, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि सारी गलती लड़के वाले और उसके परिवार की है? क्या पता लड़की पैसे हटने के चक्कर में सब कर रही हो। मगर उसके माँ बाप ने उसकी शादी में बहुत पैसे लगाए थे, ये बात हम सबको पता है। वो दूसरी बिरादरी की थी, फिर भी उसने प्यार में आके शादी। हाँ मैंने तो उसे घर के काम करते हुए भी देखा है। अरे नहीं यार, बात सिंपल है एकदम। बड़ा घर और फैक्ट्री देखकर लड़की को लगा मेगांग के पास बहुत पैसा है, तो उसने शादी कर ली। शादी के बाद पैसों की डिमांड करी, डिमांड पूरी ना होने पर झूठा केस करा, क्योंकि सेक्शन में साफ साफ लिखा है सजा मिले ना मिले पैसा जरूर मिलेगा। बात खत्म। बात खत्म नहीं, शुरू हुई है अब। अरे कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ना ना, मुझे नहीं लगता ये बात सच है। अब क्या करेगी तू? एक काम कर, अपने पेरेंट्स को बोल कि उन लड़कों पे जल्द से जल्द केस कर दे, बस बात खत्म। एक लड़की होने का कुछ तो फायदा उठा। सच की राह मुश्किल है, सच की जिंदगी छोटी है, मगर सच की ही हमेशा जीत है। सच का साथ देने वाले कम हैं, सच की राह दिखाने वाले भी कम हैं। सच को आंखों के सामने लाना मुश्किल है, मगर सच को छुपाना भी नामुमकिन है। मानो